नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने आज का नया एपिसोड लेकर के। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसी जानकारी, ऐसा प्रयोग जो अगर आप करते हैं आपके जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अक्सर हमारे पास बहुत भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, पैसे की तंगी को दूर करने वाला कोई उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, हमारे पास पैसा आने में जो रुकावट आ रही है, वह रुकावट दूर हो सके। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन उपाय लेकर के आया हूं जो अगर आप करते हैं तो आपको हमेशा पैसे की प्राप्ति होती रहेगी, आपके जीवन में आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री तहे दिल से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि हमारा जो दूसरा चैनल है ज्योतिष मिरेकल, उसके 1,00,000 सदस्य पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी भक्तों का इतना विश्वास, इतना प्रेम है कि हम इतने कम समय में इस प्रकार से आगे बढ़ पाए हैं। जिन भक्तों ने अभी तक ज्योतिष मिरेकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर भी हम आपके लिए डेली न्यू वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए अब आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को नमस्कार करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जयकारा शेरोवालिका बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने आज के बेहतरीन नए उपाय के साथ। आज का जो उपाय है, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो सबसे जो बड़ा लाभ है इस उपाय का, आपके जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, जब भी हम कोई उपाय, कोई टोटका करते हैं, उसको करते वक्त हमारे मन का भाव कैसा है, या उपाय को करते वक्त हमारे मन में श्रद्धा का भाव कैसा है, इसके ऊपर हमें किए जाने वाले उपाय का रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो उपाय आप कर रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा परिणाम आपको मिले, तो आप सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से उपाय को करें, आपका किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो प्यारे बंधुजनों, अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बड़े ध्यान से इस उपाय को आपने सुनना है, क्योंकि काफी भक्तों के प्रश्न रह जाते हैं, शास्त्री जी उपाय को किस दिन करना है, उपाय की टाइमिंग क्या है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि एपिसोड में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन कई बार जल्दबाजी के चक्कर में आप एपिसोड को स्किप करके देखते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस होती है। तो ऐसा नहीं करना है, एपिसोड आराम से देखना है ताकि सारी सही जानकारी, उपाय की आपको एपिसोड में मिल सके। तो चलिए अब आज के उपाय से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, सिरहाने रखकर यह चीज सोने से कभी जीवन में पैसे की कमी नहीं आती। साथियों, जब भी हम रात्रि को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अगर आप करते हैं तो उनका बहुत बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप सोने से पहले कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आपके ग्रहों के अनुकूल आपको प्रभाव दे, तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता। तो अब ध्यान से सुनिए, जब भी रात्रि को आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय
आपने अपने तकिए के नीचे कोई भी पुस्तक या अपने सिरहाने भी रख सकते हैं। तकिए के नीचे अगर नहीं रखना चाहते तो सिरहाने भी रख सकते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक आप अपने सिरहाने पर रखनी है और उसके बाद आपने शयन करना है। डेली रूटीन में एक नियम बना करके अपने कोई भी धार्मिक पुस्तक हो अपने सिरहाने रख करके उसके बाद आपने निद्रा के लिए बिस्तर पर जाना है। अगर आप सच्चे मन से इस कार्य को करते हैं तो बहुत ही कम दिनों में आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे। आपकी जो भी पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं थी, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी और प्रभु जी की कृपा से आपका सारा कार्य धीरे धीरे बनता हुआ नजर आने लगेगा। करने में ये बेहद ही एक साधारण उपाय है, लेकिन ये मत समझिए कि इसका रिजल्ट भी साधारण है। बेशक ये उपाय साधारण है, लेकिन इसका जब रिजल्ट आपको मिलेगा तो इसके जो परिणाम होंगे वो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। इतने ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिलेंगे अगर आपने परमात्मा में आस्था रखकर इस उपाय को कर लिया। इस उपाय की अवधि ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन करें, 31 दिन करें या 41 दिन करें। जब तक आप इसको करें कर सकते हैं, करना कभी से भी शुरू कर सकते हैं। दिन का कोई विचार नहीं है कि इस दिन से शुरू करना है, आप कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और बहुत जल्द नारायण जी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की सुख संपत्ति की प्राप्ति आपको होगी। आशा करता हूं उपाय आपको बेहद पसंद आएगा। अगर उपाय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि अन्य भक्तों तक भी जानकारी पहुंच सके। अब मैं पंडित नीति शास्त्री आपसे आज्ञा लेता हूं। न्यू एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी भक्त हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना है। जय माता की।